वाह, आजादी। गुटखा थूकते रहो सड़कों पर, जहां मर्जी मूत दो, जहां मर्जी हक दो, जो मर्जी फेंक दो। एक्चुअली देश चुनौतियों से नहीं। हेलो एवरीवन, दिस इज अजय मलिक फ्रॉम माय चैनल अच्छी नहीं सच्ची बातें, एंड हियर वी शूट द इश्यूज, नो ड्रामा नो हिपोक्रेसी। सो स्टे ट्यून्ड विद मी अलोंग द वीडियो। डेट 4 जुलाई 1944, प्लेस बर्मा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और आजादी की कीमत है शहादत। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और ये रही वो आजादी जिसके लिए हम तरस रहे थे, जहां मन करे मूतने की आजादी। मेरा देश मेरी मर्जी भाई, मेरी मर्जी। मुझे अब रोको नहीं, मुझे अब टोको नहीं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। पूरा नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, एन इंडियन टीचर। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और कहीं पर भी हक देना हमारा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूंगा। लो ले लिया, इसी स्वराज के लिए तो लड़ी थी अंग्रेजों से लड़ाई, जहां मर्जी हक देने के अधिकार के लिए। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्योंकि अब इसे हम छड़ाएंगे। हमारा देश है भाई, और हम चाहे जो करें आजाद हैं हम। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। सो मच ऑफ टैलेंट, अमेजिंग यार। काइंडली हैव अ लुक एट दिस अमेजिंग आर्ट ऑफ देयर पिचकारी। और अब दो उंगलियों के बीच से जरा इनका हुनर तो देखो। वाओ, आजादी। एक्चुअली देश चुनौतियों से नहीं। जय जवान जय किसान, जाग उठा है हिंदुस्तान, जाग उठा है हिंदुस्तान। लो भाई, अब ये जाग उठा किसान। हराम है। What? Are you serious? एक नजर इन देशभक्तों को भी देख लो। तो तुम ना दोगे, आजादी। डॉलर के लेंगे, आजादी। तो छीन के लेंगे, आजादी। हम लेके रहेंगे, आजादी। महात्मा गांधी, भगत सिंह भी देखते होंगे तो सोचते होंगे कि किन आजादी, देशभक्ति बस साल में 2 दिन शो ऑफ करने की चीज बना करके रखती है। बाकी के 363 दिन गुटखा थूकते रहो सड़कों पर, जहां मर्जी मूत दो, जहां मर्जी हक दो, जो मर्जी फेंक दो। हिंदू मुस्लिम दंगे करते रहो, मंदिर मस्जिद के नाम पर बसों और रेलों में आग लगा दो, जला दो सरकारी इमारतों को जैसे तुम्हारे बाप दादा बना करके गए हों। उसके बाद देश और सरकार से बड़ी बड़ी उम्मीदें रखो, और इंडिया को अमेरिका और जापान से कंपेयर करो, और फिर सिस्टम को कोसते रहो। कोई भी देश अपने लोगों को नहीं बनाता, बल्कि उस देश के लोग अपने देश को बनाते हैं। अमेरिका और जापान ने अपने लोगों को सिविलाइज नहीं बनाया, बल्कि वहां के लोगों ने अपने देश को ऐसा बनाया है। आज की देशभक्ति कितनी आसान हो गई है यार। आज देश हमसे जान नहीं मांगता, बस थोड़ा सा योगदान मांगता है, बस कुछ छोटी छोटी सी आसान आदतें, और हमें हिलना भी नहीं पड़ेगा और बदल जाएगा देश। जैसे कि पढ़ो, और सबको पढ़ने को बोलो, अपने आसपास सफाई रखो,
चलती कार, ट्रेन, बस से बाहर कुछ मत फेंको। ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो, डेली एक्सरसाइज करो, खुद को फिट रखो। स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स एंड एडिक्शंस। रेस्पेक्ट अदर्स, हेल्प अदर्स। यूज सोशल मीडिया रेस्पॉन्सिबली, वहां र्यूमर्स मत फैलाओ। डोंट पार्टिसिपेट इन वायलेंट प्रोटेस्ट एंड राइट्स। हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, धर्म, जाति, ऊंच नीच की मानसिक बीमारी से खुद को दूर रखो। अपना वोट समझदारी से दो। कहीं खुला नल, जलता बल्ब या चलता पंखा देखो तो तुरंत बंद कर दो। बस इतनी आसान है आज की देशभक्ति। एंड इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम मी एंड यू। बस ये समझना होगा कि एक देश के नागरिक उस देश को बनाते हैं। देश किसी जगह या टेरिटरी का नाम नहीं है। वी आर द नेशन, यू एंड मी आर द नेशन। आई एम इंडिया, यू आर इंडिया। और हां, इतनी सस्ती नहीं है ये देशभक्ति।